सिद्धाणं नमोकिच्चा संजयाणं च भावः। अनंत सिद्धों को वंदन करते हुए केवलयुत सर्व साधु साध्वी एवं संयम की ओर विहरित हर जीव को नमन करते हुए मेरे निज स्वरूप विद्यमान आत्म संपदा। प्रतिक्रमण का विषय चल रहा था। 6 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के रूप में इसे जान रहे हैं। प्रतिक्रमण न केवल जैनियों का विषय है, यह मन युक्त मानुष का विषय है, मनुष्य का विषय है। किसी भी मनुष्य को अपनी दुविधा से शांति की ओर जाने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना होता है वह प्रतिक्रमण सा है। एक कथा से अपने विषय को प्रारंभ करना चाहूंगा। एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति आए, कोई ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ने हवन किया, जो भी कार्यक्रम पूजा वगैरह था पूजा किया। पूजा करने के बाद उन्होंने कहा, हरि मिले तो मुक्ति मिले। वहां पर एक तोता बैठा था। तोता बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुना हरि मिले तो मुक्ति मिले, तोता झट से बोला, चल झूठा, झूठ बोल रहा है। जैसे ही तोते ने सबके सामने झूठा कहा, उस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी व्यथा हुई। अनेक लोग बैठे थे और जैसे ही वो व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने वहां पर हरि मिले तो मुक्ति मिले कहा और तोते ने कहा कि चल झूठा, इसमें क्या दोष है, क्या गलती है, क्या दुविधा है, आप इसको थोड़ा सा या तो मुझे सुधार करें या उस तोते को सुधार करें। गुरु अगले दिन तोते के पास गए थे। तोते के पास जाकर पूछा कि गुरु मिले तो मुक्ति मिले, तोते ने कहा झूठ है महाराज, हरि मिले तो मुक्ति मिले, तोते ने कहा झूठ है महाराज। महाराज ने पूछा, कैसे झूठ है भाई, हरि मिले तो मुक्ति क्यों ना मिले, झूठ कैसे हुआ? तो बोले, महाराज मैं एक पेड़ पे बैठे बड़े मजे से स्वतंत्र था, नीचे हवन चल रहा था, बहुत सारे साधु बैठे थे और साधु वहां पे हरिनाम जप रहे थे। जैसे ही वो हरिनाम जप रहे थे, मैं भी उनको देखकर हरी 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 और हरिनाम जपना प्रारंभ कर दिया था। नीचे से एक संत की नजर मुझ पर पड़ी, उसने देखा कितना सुंदर तोता है, हरिनाम जपता है, इस तोते को तो हमारे आश्रम में होना चाहिए। और जट से उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपने बंदी बना दिया, अपने लोहे के पिंजरे में मुझे बंदी बनाकर अपने आश्रम में टांग दिया। बताओ, हरिनाम से मुझे मुक्ति मिली या बंधन मिला महाराज? फिर एक सामंत आया था, एक सेठ आया था आश्रम में। जैसे ही सेठ आया, उसने सुनी मेरी आवाज, हरिओम 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 कर रहा। सेठ ने कहा, कितना सुंदर तोता हरिओम का जप करता है, इस तोते के तो मेरे घर में होना चाहिए। और यथा कथा उस आश्रम में बात बनाकर उस तोते को अपने घर पर ले गया। घर पर जाते ही चांदी का पिंजरा बनाया और चांदी के पिंजरे में उस तोते को बंदी बना दिया। तोता बड़ा मायूस था, पता नहीं उससे क्या गुनाह हो गई, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई और उसे बंदी बना दिया गया। फिर उस सामंत ने सोचा कि राजा को कुछ गिफ्ट करना है, तो इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है, एक ऐसा तोता जो हरिनाम जपता है। तोते को लेकर गया और राजा को गिफ्ट किया। राजा के पास रानी ने तोते को हरिनाम जपते हुए देखा और रानी ने कहा, इसे तो मैं अपने पूजा गृह में रखूंगी। और रानी ने सोने का पिंजरा बनवाया, पिंजरे में बहुत सारे मणि आभूषण लगवाए, लगवा कर अपने उस पूजा घर में रख दिए जहां पर वो महाराज मिलने के लिए आए थे। महाराज ने पूरी कथा सुनी, व्यथा सुनी उस तोते की। सुनकर महाराज तोते के कान में कुछ कह गए। अगले दिन तोता पिंजरे के भीतर कायोत्सर्ग में लीन हो गया।
पिंजरे के भीतर सो गया, ऐसे सो गया जैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया हो। जैसे ही तोता को मृत देखा, सैनिकों ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही तोता उड़ने लगा, बाहर निकला, वापस स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होते होते एक सूत्र कह गया कि भाई हरि मिले तो मुक्ति मिले ये तो पता नहीं, लेकिन गुरु मिले तो मुक्ति मिले। वो महात्मा गुरु के रूप में उस तोते को जो मार्गदर्शन दिए, उस मार्गदर्शन से तोते को जो रास्ता मिल गया, इसलिए कहा गया गुरु मिले तो मुक्ति मिले। प्रतिक्रमण के तीसरे क्रम में हम है। पहले क्रम रहा सामायिक, सामायिक यानी संभाव में आ जाना। दूसरा क्रम रहा चतुर्विंशति स्थवन, यानी उपकारियों के प्रति उपकृत भावना को अभिव्यक्त करना। और तीसरे स्तर पर हम अभी है, जहां वंदना, गुरु वंदना। अब इन तीन स्तरों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हुए, पहले किसी भी जीव को संसार में अपने मन के सप्रेशन से निकल के रिलीव होना हो तो इन छह प्रोसेसों से प्राय गुजरना होता है। पिछली बार एक प्रश्न आया था कि ऋषभ भगवान के समय में 24 तीर्थंकर नहीं थे, तो क्या उनके प्रतिक्रमण में चतुर्विंशति स्थवन नहीं था? और चतुर्विंशति स्थवन होता तो किसका होता? चतुर्विंशति स्थवन हम कर रहे हैं, वहां पर मुख्य विषय ये था दूसरे स्टेज में कि हमको जिससे उपकार प्राप्त हुआ, उन उपकारियों की स्थवना। तो जिससे भी उपकृत हुए उनकी स्थवना, उनकी अनुमोदना, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, संभावना। ऋषभ भगवान ने अगर किसी को ग्रैटिट्यूड अभिव्यक्त किया हो तो प्रकृति के उस कण कण से ग्रैटिट्यूड अभिव्यक्त किया हो सकता है, उस हर निमित्त से अभिव्यक्त किया हो सकता है जिनके उपकार से उनको स्वयं का परिचय हुआ हो सकता है। सिंपली अपने जिसके माध्यम से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उनको ग्रैटिट्यूड प्रदान करना, ग्रैटिट्यूड निवेदन करना चतुर्विंशति स्तव रहा है। तीसरा विषय वंदना। अब ग्रैटिट्यूड चतुर्विंशति स्थवन में हो गया, फिर तीसरा वंदना की अलग ग्रैटिट्यूड अपेक्षा क्या है? चतुर्विंशति स्थवन ऑर्गेनाइज जिन्होंने स्थापित किया है, प्रतिपादित किया है, उनके लिए हमने स्थवना की। और वंदना उनको कर रहे हैं जिन्होंने हमें रास्ता बताया, जिस गुरु ने हमें रास्ता बताया। अब विषय यहां पर है कि गुरु की वंदना क्यों, और अगर वंदना करते हैं तो स्पेसिफिकली उस आसन में क्यों, जहां पर हम उकड़ो आसन जिसको बोलते हैं, घुटनों पर बैठ के जो वंदना की विधि की जाती है वो। तो इसको दो तरीके से समझाने का प्रयास या फिर स्वाध्याय करने का प्रयास। एक तो हम फॉर्मली क्या करते हैं प्रतिक्रमण में, दूसरा इसके पीछे क्या रीजन हुआ हो सकता है, जो इस अल्पज्ञ को जो स्वल्प जानकारी है वो आपके समक्ष सुधार की अपेक्षा से निवेदन करना चाहता हूं। एक हो गया वंदना विधि। गुरु गोविंद दोऊं खड़े किसके लागो पाए, जैसे गुरु का महत्व है। तो पहले हमने कहा कि गुरुदेव मैं अपने भूल जो गलतियां हो गई उसको सुधार करने के लिए पहले उसको याद कर लिया, पहला आवश्यक। फिर जिनके बताए मार्ग से मैं अपनी शुद्धि कर रहा हूं उनकी स्थवना कर लिया, दूसरा आवश्यक। तीसरा आवश्यक, मैं अपनी गलतियों को आपके सामने प्रकट करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए आपके नजदीक आने की आज्ञा मांग रहा हूं। प्राय हम ये पाठ बोलते समय निसी ही आए अनुजान हमें म्योगहम एक शब्द कहकर, निस्स ही कहकर बैठते हैं, निसी ही कहकर बैठते हैं। अनुजान हमें म्योगहम, प्रभु आपके निकट में आ रहा हूं, आप जिसकी कोई भी काम से बिजी है इसलिए मैं आपको अनडिस्टर्ब्ड हो इसलिए पहले से परमिशन मांग रहा हूं कि मैं आपके नियर बाय आना चाहता हूं, आपके पास आकर
मेरी जो गलतियां हुई है उसको बता के अपनी विशुद्धि करना चाहता हूं, इसका परमिशन मांगना होता है। इस परमिशन के प्रोसेस में इसका मीनिंग जो मिलता है कि आपके प्रति मेरी कोई गलती हो गई हो तो उन सारे अविनय अशातनाओं के लिए हम क्षमा याचना करके फिर उनके निकट जाते हैं। तित्ति सन्नयराय एक शब्द आता है, 33 प्रकार से मेरी गलतियां हुई हो सकती है, मन से, वचन से, काया से मेरी कोई आपके प्रति गलती हुई हो तो। ये हो गया फॉर्मल रूप से हम जो करते हैं। प्राय मैं भी पहले वंदना विधि करता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसको कर रहा हूं वंदना, सिर्फ इच्छा खमाशना का पाठ बोला, उठा बैठा, हाथों से गट्टी घुमा ली, लगता था कि हाँ एक आवश्यक पूरा हो चुका है। अब विषय पर आते हुए कि ये रहा फॉर्मल प्रोसेस, अब यहां पर गुरु की वंदना क्यों? गुरु कौन होते हैं, गुरु क्यों चाहिए? दो विषय को लेकर चलते हैं। पहला विषय कि गुरु हमें क्यों चाहिए। गुरु का अर्थ है मुझसे बड़े। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, गुरु का अर्थ है बिगर, बड़ा। लघु का अर्थ होता है छोटा। द मोमेंट मैंने किसी को गुरु माना है, इट इटसेल्फ शोस कि मैंने अपने आप को छोटा स्वीकार कर लिया है। यानी जब भी मैंने किसी से, मुझे कुछ प्राप्त हुआ, किसी से कोई रास्ता मिला, कोई मार्गदर्शन मिला और मेरा उनके प्रति उपकृत भावना उत्पन्न हुई और तक्षण मैं उनको गुरु स्वीकार करता हूं, यानी मैंने उनको बड़ा माना। जब मैंने उनको बड़ा माना, साथ ही साथ मैं अपने आप को छोटा स्वीकार करता हूं। और अपने आप को छोटा स्वीकार करना अहंकार के विलय का एक सूचक है। अहंकार का विलय यानी मैं अपने अटैचमेंट से निकलकर, अपने ईगो से निकलकर किसी को मुझसे बेटर, बिगर, हायर बीइंग मान रहा हूं। न केवल जैन परंपरा, हर परंपरा में झुकने की विधि ली गई है, भिन्न भिन्न रूप से झुकने की विधि। मंदिर में जाओ, मूर्ति के सामने झुकना, कोई भी स्थान में जाओ, भगवान के सामने झुकना, चर्च में जाओ, मैसेंजर जो ईसा है उनके सामने झुकना, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रोस्ट्रेट झुकने की विधि को स्वीकार किया गया है। अब ये झुकने की विधि क्यों, इसके पहले वापस अपने विषय पर आते हैं कि गुरु क्यों चाहिए। गुरु एक स्वीकार भाव है। कोई भी व्यक्ति स्वयं में गुरु कभी होता है ऐसा नहीं लगता। जब कोई मान लेता है कि मैं गुरु हूं, वह ही स्वयं अहंकार की सूचना है। हर जीव स्वयं में शिष्य होता है। गुरु तो शिष्य की स्वीकृति है, शिष्य स्वीकार करता है गुरुत्व को और शिष्य स्वयं को समर्पित कर देता है गुरु को। जब शिष्य ने स्वयं को समर्पित कर दिया, मतलब मैं अब कुछ नहीं, सब कुछ आप हो, वहां आई जो है यानी मैं तत्व जो है वहां समाप्त हो जाता है। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम तु मम देव देव तक, माता पिता से लेके सर्वत्र आपको कह दिया, यानी मैं अब कुछ रहा नहीं, मेरा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, वह वाली बात आ जाती है कि मैं कुछ रहा ही नहीं, मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ आपका है। थोड़ा ध्यान से सुनना, एक अभवी गुरु अनेक भव्य शिष्यों को कैसे तार सकता है? एक अभवी गुरु यानी ऐसा एक व्यक्ति गुरु बन जाता है जिसकी समझ कुछ है ही नहीं, जो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त होता ही नहीं, जो कभी सत्य को सही रूप में समझ ही नहीं पाता, और वह व्यक्ति अनेक जीवों को मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक बन जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक बन जाता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बोले जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो बहुतों को पढ़ाकर IAS एग्जाम्स पास करा देता है और कलेक्टर बना देता है, सुनने में बड़ा हास्यप्रद लगता है। वहां पर समर्पण, वहां पर स्वीकार भाव, वहां पर महत्व उन गुरु से ज्यादा उस शिष्य का है जिसने स्वीकार कर लिया
कि आपने जो कहा वही मार्ग है, आपने जो कहा वही सत्य है। जब समभाव से स्वीकार कर लिया तो इस शिष्य के अहम का विलय हो रहा, और जैसे जैसे उसका अहंकार कम होता जाता है वैसे वैसे भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगता है। जैसे भीतर से ज्ञान प्रकट होता है वह ही कैवल्य का मार्ग बन जाता है। यानी कभी भी गुरु पे प्रश्न मत करना कि गुरु कैसा है, किस रूप में है, क्या है, दोषी है, निर्दोष है। सिर्फ अपने समर्पण पर दृष्टि टिका के रहना चाहिए कि मैं बस समर्पित हूं। ये समभाव, ये क्षमा भाव हमें सुधार की ओर ले जा सकता है। कई बार यहाँ जिज्ञासाएं पैदा हो सकती है, तो फिर हम को गुरु का मार्गदर्शन, फिर कोई गलत गुरु के रास्ते में चले गए, हमने गलत को सही मान लिया। गुरु कौन होता है, गुरु कहाँ होता है, जीव को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ये बहिर जितने भी गुरु, बहिर जितने भी पुस्तक, बहिर जितने भी आगम माध्यम है, ये सारे एक मीडियम है आपके इंटरनल सोर्स से आप टच होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। हमें अपने भीतर के उस ज्ञान के माध्यम को जानना है जो अपने भीतर अनादिकाल से, यानी जब से मैं संसार में हूं तब से मुझे जो गाइड कर रहा है, मेरे भीतर एक गाइडिंग रिसोर्स जो है, वो गाइडिंग रिसोर्स ही मेरे गुरु है, वो ही सत्य गुरु है, निश्चय गुरु है, परम गुरु है। अब जो व्यक्ति मुझे मेरे भीतर के गुरु को पहचानने का मध्यवर्ती बनता है, मार्गदर्शी बनता है, वह ही बहिर्गुरु। एक बार सात मित्र एक नाव पर बैठे थे, सातों मित्र नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। नदी थोड़ा विशाल था, सातों मित्र ने निर्णय किया कि चलो बैठ रहे हैं, पहुंचते ही हमें अपने आप को गिन लेना है, कहीं कोई चूक न जाए। तो सातों नदी पार किए, पार कर नदी के नाव से उतरे, उतर कर एक व्यक्ति गिनता है, 1 2 3 4 5 6, वो कहता है 6 ही हो और एक कहाँ गया, कोई एक मिस हो गया। और एक व्यक्ति गिनता है 1 2 3 4 5 6, वो भी कहता है हाँ यार हम साथ रवाना हुए थे पर हम 6 ही है, बाकी सातवा कहाँ गया। इतने में एक महंत वहां से गुजर रहा था, बोले क्या दुविधा है, सब रो रहे, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो कहा महाराज हम 7 आए थे, 6 ही है। बोले कहाँ 6, गिनो तो सही। गिनती चालू किया, 1 2 3 4 5 6, देखो महाराज हम 6 ही है, सातवा कहाँ मिस हो गया। तो उस महाराज ने उस हाथ को लिया, बोले सातवा यहाँ पर है। जो अपने भीतर के परम तत्व की पहचान कराए वह ही हमारे गुरु। जिसे देखकर मेरे भीतर के उस परम तत्व की स्मृति आए वह ही मेरे गुरु। तो गुरु वह जिनको देखकर मैं अपने भीतर के गुरु की स्मृति कर सकूं, गुरु वे जिनको देखकर मुझे मेरे भीतर के सत्य का आभास हो, जिसे देखकर मुझे मेरे भीतर के निजत्व का आभास हो, जिनको देखकर मेरे भीतर का अहंकार ईगो ऑटोमेटिकली विलय होता हो, वे गुरु होते हैं। अब गुरु वंदना की विधि अपने पास जैन धर्म में या फिर धर्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में अनेक ऐसे गहन रहस्य भरे हैं जिसके जितने गहराई में जाते हैं उतनी नवीनता का अनुभव होता है। अब चलते हैं हम उस विधि की ओर जहां पर गुरु को जब वंदना की जाती है, वंदना में दो तरह की वंदनाएं अपने पास अपने साथ प्रचलित है। एक पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना, जिसमें हम घुटनों पर बैठकर उसके बाद दोनों हाथ और मस्तक जमीन पर लगाकर वंदना करते हैं। दूसरा उक्कड़ू आसन में, यानी दोनों घुटनों पर बैठकर हम वंदना करते हैं। दोनों वंदना विधि सेम प्रोसेस है, फर्क है एक जमीन के बराबरी में है, दूसरा वही पोजीशन जमीन से सीधे है। मान लो
ये वंदना करता हुआ ये हाथ है, एक पंचांग प्रणति ऐसे हो गया और इच्छा में खमाशना के पाठ में वंदना ऐसे हो गया। फर्क इतना है कि यहाँ आप जमीन पर झुक कर वंदना कर रहे हो घुटनों के बल, और यहाँ पर घुटनों के बल बैठे हो। दोनों विधियों की विशेषता क्या है, क्या होता है इस विधि में जाने पर, क्यों इस विधि को बताया गया है, क्या परिवर्तन आता है इस विधि पर, थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो यह वह विधि है जिस विधि में, या फिर ऐसा कहूं कि यह वह आसन है जिस आसन में संभवतः जीव अपने जीवन की यात्रा में लंबे समय में रहता है। इस एक आसन में बड़ा लंबा समय व्यतीत करता है। वह आसन जब मां के गर्भ में हम थे, उस जन्मजात अवस्था में हम इसी आसन में थे, जहां दोनों घुटनों को ऊपर कर, दोनों हाथों को मस्तक की ओर ले जाकर मस्तक को झुकाए हुए हम विद्यमान थे। वह जन्मजात आसन ही है जिस आसन में पुनः पुनः जाकर हम गुरु के समक्ष वंदना करने का प्रयास भिन्न भिन्न रूप से करते हैं। अब गर्भ में जीव इस आसन में क्यों होता है? गर्भ में होता है तो हम बाहर गुरु के समक्ष इस आसन में क्यों करें? इस पर जो स्वल्प जानकारी है वह आपके समक्ष निवेदन, पुनः सुधार की अपेक्षा रखता हूं। कहीं पर भी कोई गलती हो जाए तो सुधार करने का उपकार करा। गर्भ में जब जीव होता है, प्रारंभ अवस्था पर लेते हैं, जिस समय जीव गर्भ के भीतर प्रवेश करता है, द फर्स्ट सेल, जब फर्स्ट सेल फॉर्म होता है, वह सेल आत्मा के लिए एक सीट बनता है, कॉन्शियसनेस को जनरेट करने के लिए एक सीट ऑफ कॉन्शियसनेस बनता है। जब जैसे ही वीर्य और शुक्र जुड़ते हैं, एक आत्मा का आह्वान होता है और वो कर्मानुरूप आत्मा आकर वहां विद्यमान हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट सेल में आत्मा का विद्यमान हुआ, उस आत्मा के जैसे कर्म है, उस कर्म के अनुरूप वो अपने बॉडी को बनाना प्रारंभ करता है, यानी पुद्गलों को कलेक्ट करता है थ्रू द सोर्स कॉल्ड मदर। धीरे धीरे पुद्गलों को कलेक्ट करके बॉडी बनने लगती है। जैसे ही वो फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल वीव करता गया, कहा जाता है थर्ड डे वो फर्स्ट सेल डिवाइड होता है 8 सेल्स में। तो जैसे जैसे वो सेल है उसके अपने आजू बाजू में अपने पुद्गलों को अट्रैक्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है, उन पुद्गलों को कलेक्ट करते 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 धीरे धीरे यह पिंड बनता है, यह शरीर बनने लगता है। जो भी पोषण मिल रहा है, वो जो भी कलेक्शन ऑफ पुद्गल हो रहा है, वो सारा थ्रू दैट सिंगल सेल विच इज कनेक्टेड टू मदर, यानी वह जो पहला कण था जिसमें आत्मा का विद्यमान हुआ, वो कण माता से जुड़ी हुई, जो आप चित्र में देख रहे हैं ना, जिसको कॉर्ड बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड या फिर आवर जिसे बोलते हैं, वो माता से कनेक्टेड है। वो कनेक्शन जैसे एक फ्लावर में, एक फ्लावर में बीच में नीचे एक डंडी देखते हो ना, वैसे ही एक ये डंडी जैसी है जिसका न्यूक्लियस बनता है वह फर्स्ट सेल जिसमें आत्मा का विद्यमान हुआ, और इस डंडी के माध्यम से वो पुद्गलों को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके अपने शरीर का संयोजन करने लगता है। जैसे एक फ्लावर को देखेंगे तो उस सारे फ्लावर के जो पेटल्स है उस डंडी की ओर जुड़े झुके हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको सारा जो पोषण है वही से मिलता है। पुद्गल यानी मैटर, मैटर जो भी एटम्स से बना हुआ, मॉलिक्यूल से बना हुआ मैटर है, वे सारे मैटर को पुद्गल बोलते हैं। और पुद्गल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका लक्षण होता, उसका कैरेक्टर होता है, इट यूनाइट्स एंड वापस वह बिखर जाता है, वो संपूर्णतया अजीव होता है। ये शरीर जो है मैटर से बना हुआ है, ये शरीर अजीव, इसके भीतर जीव है, ऐसा बताया जाता है। वापस अपने विषय पर आते हुए, जैसे वो एक लोटस के पेटल्स, उसका जो मध्य बिंदु है यानी सेंटर में वो जो डंडी है, सारे उस ओर झुके हुए होते हैं, उसी तरह
जहां से पोषण मिल रहा है, पोषण दो प्रकार का, एक बाहर फूड के माध्यम से, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोल से जो एनर्जी मिल रहा है, वो दोनों उसी सेंटर पॉइंट में है अपने नेवल पर। इसीलिए बच्चे का झुकाव पूरा उस ओर होता है। ये थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन था। इन शॉर्ट, जब बच्चा गर्भ में होता है तब जिस आसन में होता है उस आसन में हम वंदना करते हैं। जब गर्भ में होता है तब नाभि की ओर वो केंद्रित होता है, क्योंकि उसको सारा पोषण नाभि से मिलता है। आत्मा से जो भी एनर्जी मिल रही है वो नाभि से ही, नाभि के स्थान से ही पूरे शरीर को प्राप्त हो रहा है। Because that was the starting point of the being in this existence. वापस अब जो नाभि से जुड़ा हुआ है, बच्चा गर्भ में था, उस आसन में वंदना की विधि का क्या महत्व है? जीव जब संसार में जन्म लेता है, उसके पहले जब तक वो गर्भ में है तब तक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का जो वर्किंग है वो बहुत इनएक्टिव होता है। पौरुष ग्रंथि का जो वर्किंग है वो बहुत कम एक्टिव होता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में है वहां उसका मन ज्यादा विचार, ज्यादा चिंतन से भरा नहीं होता। उस स्टेट ऑफ माइंड को कह सकते हैं कि वो एक तरह से अमन अवस्था जैसा था। जैसे व्यक्ति ध्यान में जाने के बाद जैसे जितने विचार एकदम कम हो जाते हैं, वैसे उस बच्चे का मन जो है बहुत सरल, बहुत चिंतन कषाय रहित, सिर्फ और सिर्फ कर्मों के अनुरूप जो भाव उभरे उसके अलावा उसका स्वचिंतन जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे रीजनिंग माइंड जैसा वहां पर स्ट्रांग चिंतन नहीं होता है। अब बच्चे के गर्भ में जब उस आसन में रहता है तब मन उसका इतना सूक्ष्म, शांत और रीजनिंग माइंड रहित होता है। हम बहिर में उस आसन में जब भी जाते हैं तब पूरा एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन उस मध्य नाभि पर गिरता है और नाभि कमल खुलने की बात आती है। कबीर दास जी ने अपने अनेकों दोहों में लिखा है कि नाभि कमल पर परख लेना, नाभि कमल को परख लेना, नाभि कमल पर ध्यान देना, क्योंकि सब कुछ वही से जन्म ले रहा है, सारे भावतंत्र वही पर जन्म ले रहा है, ऐसा कहा गया। अब जब भी व्यक्ति जन्मजात आसन में जाता है, यानी गर्भ में जो आसन में है उस आसन में जाता है, उस आसन के वजह से शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, मूलतः पौरुष ग्रंथि पर, प्रोस्टेट ग्लैंड पर, जिससे व्यक्ति का ईगो लेवल जो है वो कम होने लगता है। जब व्यक्ति का ईगो लेवल कम होता है तो गुरुत्व की स्वीकृति बहुत इजियर होती है। दूसरा विषय, जब भी व्यक्ति इस आसन में जाता है उसके मन की जो गति है, मन की जो चंचलता है, मन के जो बहुत सारे विचारों की अवस्था है वह शांत होता है। एक प्रयोग चलते या फिर इसका स्वाध्याय चलते चलते कुछ एक व्यक्तियों से बात चली थी। कुछ एक व्यक्तियों ने ऐसा भी कहा कि जब भी बहुत मन विचलित होता है वो इस वंदना के आसन में जाकर पंचांग प्रणति कर कुछ देर बैठ जाते हैं, ऐसे ही, मतलब दोनों हाथ नीचे करके, दोनों सर नीचे झुका के वंदना के आसन में कुछ समय बैठ जाते हैं। कुछ समय इस आसन में बैठते ही उनका मन स्वभावतः शांत हो जाता है, ऐसा बताया है। शिव संहिता में विवरण मिलता है कि जन्मजात आसन में 40 मिनट्स अगर कंटिन्यूअसली व्यक्ति बैठने लगता है तो उसका मन बहुत शीघ्र अमन अवस्था में जाने की संभावनाएं है। यानी थॉट्स, जो वेवरिंग थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, वे थॉटलेसनेस स्टेट के नियर बाई जाने की संभावनाएं है। उपनिषद में तिर्यक अवस्था कही जाती है। तिर्यक अवस्था यानी जहां पर मन चंचलता रहित, अमन की स्थिति, थॉटलेसनेस स्टेट में जाती है, उसके लिए भी नाभि कमल को खोलने की बात चलती है।
ये थोड़ा डीपर साइंस का विषय लेकर चल रहे हैं हम, स्पिरिचुअल साइंस का, कि इस आसन में बार बार जाने पर आपके नाभि पर प्रेशर पड़ता है, आपके नाभि पर दबाव पड़ता है, जिसके वजह से नाभि के स्थान पर जो ग्रंथि है, जो एनर्जी सेंटर है, उस पर फ्लश ऑफ ब्लड एंड उसके ऊपर फ्लश ऑफ एनर्जी होती है, जिसके कारण वहां पर क्लेंसिंग प्रोसेस चलता है। इन शॉर्ट, जब भी आप वंदना के आसन में जाते हो, आपका अहंकार विलय की संभावना और आपके मन की चंचलता कम होने की संभावना सी लगती है। संभवतः इसीलिए इस आसन की प्रधानता इस रूप में उक्कड़ू आसन या जन्मजात आसन को कहा गया है। नाभि को चेतना का मूल केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे चेतना का मूल केंद्र क्यों कहा गया? कैसे जाने कि हम ये सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है? कैसे जाने कि यह तेजस केंद्र का मूल स्रोत है? कैसे जाने कि यही पर आत्मा का विद्यमान हुआ था, प्रथम कण वही पर है? इसका एक छोटा सा समझने का मार्ग, अपने भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, मूलतः बड़ी खुशी होती है तब, बड़ा भय लगता है तब, बड़ी दुख की अनुभूति होती है तब, ये जो भी थॉट्स आपके भीतर जनरेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिसने बहुत बाद में प्रूव किया है, और हम ऐसे प्रूफ्स पर, थोड़े रेफरेंसेस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं भगवान की व्याख्या से भी, क्योंकि भगवान की व्याख्या में तो बहुत सार गर्भित पहले विवरण है कि इस केंद्र को, नाभि को क्यों सीट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है, यानी अपने कॉन्शियस थॉट लेवल जो भी है वे सारे नाभि से जनरेट होते हैं, ऐसा कहा गया। कैसे? एक प्रश्न पूछें, अपने आप से समाधान पूछना कि आपके भीतर विचार जो उत्पन्न होता है, where does this thought arise? जनरली आंसर होता है माइंड में, बराबर, माइंड में ही विचार आता है। भाई माइंड है कहां? वेयर इज दिस माइंड सिचुएटेड? ब्रेन, ब्रेन माइंड है ही नहीं ना। ब्रेन और माइंड दोनों तो बहुत अलग अलग विषय हो गए। ब्रेन तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। Then where is this mind? Mind is a kind of paradigm. It exists, but it doesn't have physical evidence. Mind a paradigm. पर है कहाँ? जब ये प्रश्न चलता है, क्योंकि mind का काम क्या है? विचार करना, चिंतन मनन करना, thoughts वगैरह उत्पन्न होना। तो अब ये thought जहां से generate होता है वहां mind है, ऐसा माने संभावना, या फिर वहां से विचारधाराएं प्रकट होती है, ऐसा मान। विचार यानी आपके भीतर जो भी थॉट्स है, वो टू टाइप्स ऑफ थॉट्स, बेसिक थॉट्स होते हैं। उस टू को भी और शॉर्टन कर लें तो एक ही तरह के विचार ज्यादा हर एक जीव में होता है, मूल रूप से वो भय के रूप में। बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस बच्चे में दो चीजों से भय होता है। एक भय होता है साउंड से, जब कहीं गहरा साउंड आया तो रोने लग जाएगा। दूसरा भय होता है हाइट से। बच्चा छोटा सा भी है, उसको आप एक बार ऐसे ऊपर उठाओ तो एकदम श्रिंक करेगा, उसको हाइट से भय होता है। ये दोनों इंस्टिंक्ट्स उनको जन्म से ही आते हैं, ऐसा साइकोलॉजी के में पढ़ाया जाता है। तो जीव भय उसका एक संस्कार सा बना हुआ है। अब इससे भय भी एक तरह का भाव है। ये भाव कहाँ उदित होता है, इसको अगर पहचान सके तो हम थोड़े नियरली जान सके कि मेरे थॉट्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं। विचार करके देखें भय कहाँ होता है, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ। तीन जगह है जहां होने की संभावना हमें लगती है, एक मस्तिष्क में, दूसरा हृदय में, तीसरा नाभि में। अब जनरली लगता है कि भय तो मस्तिष्क में होता होगा, कब
सिचुएशन जब आप स्कूल में हो या फिर आपकी कोई गलती पकड़ी गई, प्रिंसिपल के रूम में आपको बुलाया गया है, आप प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े हो, कहां भय पैदा हो रहा है? दुकान में हो, फोन आ गया कि इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, भय पैदा हो रहा है, कहां भय पैदा हो रहा है? एंड सबसे इजीएस्ट आप जस्ट इमेजिन करो कि या फिर आप रिकॉन्स रिवाइज करके देखो, याद करके देखो कि आप वो जॉइंट व्हील जो होता है ना, जो बड़ा सा चक्र होता है जो ऊपर से नीचे तक घुमाता है, होप यू कैन गेट इट, जो जॉइंट व्हील होता है फियर हार्ट बीट को बढ़ाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन हार्ट बीट से है। कैसे ही इस पर चलते हैं, अच्छा प्रश्न था कि जो जॉइंट व्हील होता है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब नीचे आते हो तब गुड़गुड़गुड़ चलता है, कहां चलता है? भाई का संवेदन चलता है, कहां चलता है? देखना, इट्स ऑल इन एंड अराउंड योर नेवल, आपके नाभि के इर्द गिर्द वो भाई के संवेदन चलते हैं। बहुत हिम्मत वाला होता है, डर भी नहीं होता है, जाकर बैठ भी जाता है, बैठने के बाद भी नीचे जब आ रहा है तब भी एकदम हिम्मत से देख रहा है, तब भी ध्यान देना, क्योंकि मैंने इसको ध्यान देकर देखा है, ये एकदम निडर होकर जाकर बैठा, फिर भी जब नीचे आता है तो अपने आप वो संवेदनाएं नाभि के पास चलने लगती है, क्योंकि कर्म जहां आत्म विद्यमान है वहां से ही सारा आत्म प्रदेश फैला हुआ है, और कर्म को रिजल्ट देने के लिए वही से एनर्जी मिलती है। तो वापस अपने विषय पर आते हुए, ये दूसरे विषय में ना जाते हुए, कि जो भी भय के स्पंदन संवेदन है वो एक भाव है, जो भी भाव जनरेट होते हैं, कभी बहुत खुशी होती है ना, तब एक बार आप जस्ट इमेजिन करके देखो कैसा था वो सिचुएशन, जब बहुत खुशी होती है एकदम अंदर से वो खुशी आती है, भीतर से प्रकट होती है अंदर से, और जब बहुत गहरी वेदना होती है व्यक्ति को तब भी वो फूट फूट कर भीतर से रोता है, खींच खींच कर रोता है, क्योंकि सारे भाव तंत्र नाभि से ही कार्यरत होती है ऐसा बताया जाता है। एक प्रश्न चला था, प्रश्न में एक मिनट भूल गया, हाँ, भय उत्पन्न होने के बाद में हार्ट में हार्ट का बीटिंग फास्ट हो जाता है, नाभि में जीव की विद्यमानता होती है, नाभि से जीव का विहार हृदय तक होता है, तभी जीवन का चक्र चलता है। व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, धड़ाधड़ हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में जैसे आईसीयू में भर्ती किया, आईसीयू में भर्ती होते ही 5-7 मिनट में श्वास बंद हो गया, पल्स रुक गया, सब कुछ स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद उसको वो करंट या भी जो भी देते हैं वो दिया गया, कुछ देर में वापस हार्ट बीट स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? आयुष्य कर्म खत्म होके वापस थोड़ा सा मिल गया, कैसे पॉसिबल हुआ? कोई व्यक्ति का श्वास बंद होने के बाद भी कैसे श्वास चलने लगा? कहा जाता है कि अपना जो पल्स है, नाभि के स्थान पर एक पल्स होता है, जो भी व्यक्ति इस नाभि के पल्स के साथ हार्ट के पल्स को कनेक्ट करना जान जाता है, वो व्यक्ति श्वास सब रुकने के बाद भी जीवित रहता हुआ व्यक्ति को वापस जागृत कर सकता है। थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं, कहा जाता है नाभि के पास अपना एक पल्स होता है, कभी आप अपने अंगूठे को नाभि के भीतर डालकर देखना, हिंदी में या फिर मारवाड़ी में इसे पेचोटी बोलते हैं, पेचोटी टल गई या फिर जैसे ही बोलते हैं ना, तो वहां पर एक पल्स होता है, ये पल्स अपने जीवन को के स्रोत को यानी ब्लड फ्लो को मार्ग देने वाला है वह पल्स, तो उस पल्स से ही रक्त का प्रवाह हृदय की ओर पहुंचता है, उस पल्स से ही एनर्जी का फ्लो हृदय तक पहुंचता है। एक इससे मिलती हुई एक घटना मैंने सुनी थी, ब्यावर में एक बार एक बच्चा हुआ था, ये हमारे परिवार के 2-3 पीढ़ियों के पहले वाली जैसी घटना सुनी है, एक बच्चा हुआ था, दायन ने कहा कि बच्चा मर गया, जैसे ही उस घर की जो मुखिया थी वो जाकर देखे, नाभि के पास हाथ रखकर देखे, अंदर पल्स चल रहा था, उस बुजुर्ग महिला ने कहा कौन कहता है बच्चा मर गया, ये मरा नहीं है, इसके सिर्फ शरीर की गतिविधियां रुकी हुई है। तो उस बुजुर्ग महिला ने वो जो कार्ड था उस बच्चे का
जिसको आवड़ बोलते हैं, पूरा जो बैग और सैक और कार्ड था उन सारे को लेकर तवे पर रखकर धीरे धीरे तप को बढ़ाया, तवे पर गर्मी बढ़ाया ऐसा कहते हैं। तो जैसे ही गर्मियां बढ़ाया, कॉर्ड से थोड़ा सा पुश मिला नेवल पर, नेवल से एनर्जी का पुश मिला, ब्लड और एनर्जी का पुश टुवर्ड्स हार्ट। जैसे ही हार्ट में उसको एनर्जी और ब्लड फ्लो मिला तो उसका हार्ट पंपिंग चालू हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस विद अ पर्सन हु इज इन आईसीयू, जिसका श्वास रुक गया और शरीर की गतिविधियां रुक गई, लेकिन फिर जीवित हो सकता है अगर उसका प्राण नाभि में विद्यमान है। तो अपने भाव जनरेट होते हैं नाभि से, उसका सेकेंड स्टेशन होता है हृदय और उसका थर्ड स्टेशन होता है मस्तिष्क। ये विहार करते करते जब भी आपको कोई व्यक्ति कुछ गाली दे रहा है, गाली देते ही समझ लो गाली दे के चला गया, तो विचार आपके पेट में घूमता रहेगा, नाभि के पास थोड़ा सा चलता रहेगा। अब जो गाली देने वाला सामने ही खड़ा है तो जो नाभि में जो चलता था ना, वो धीरे धीरे आपके मन को कलुषित करेगा, आपके हृदय में थोड़ा सा विचार चलने लगेगा कि इसने ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, और चिंतन चले। और जैसे ही वो और वहीं पर खड़ा और कुछ बोलता जा रहा है, अब इस पर मस्तिष्क तक ये पहुंचते ही मस्तिष्क काम करने लगेगा और प्रतिक्रिया का स्तर जो है और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। वापस अपने मूल विषय पर आते हुए, क्योंकि विषय विस्तृत है, अध्यात्म विद्या इतनी गहरी है कि इस पर व्याख्याएं चलते जाए तो समय का कोई भान नहीं होता। तो अपनी वंदना विधि की बात चल रही थी। वंदना का जो पोस्चर है, वो पोस्चर का मकसद ये है कि उस पोस्चर में बार बार जाने पर नाभि पर प्रभाव पड़ता है, नाभि पर प्रभाव पड़ने पर आपका ईगो शांत होता है, एक। दूसरा, नाभि पर प्रभाव पड़ने पर वहां की एनर्जी लेवल क्लेंस होती है और एनर्जी फ्लो फ्री होती है, जिससे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने की संभावना है। तीसरा, मैं उस आसन में जाकर अपने नाभि में विद्यमान उस परम गुरु की स्मृति करता हूं, बहिर्विद्यमान उस गुरु को देखकर। मैं बहिर्विद्यमान गुरु को देखकर सीधे मेरे भीतर विद्यमान उस गुरु को जानने की प्रयत्न में मैं आपकी वंदना करता हूं। हे गुरुदेव, आपके उपकार से, आपकी कृपा से भीतर में कोई मेरा गुरु बैठा है, उसे जानने लगा और ऐसा अवसर पुष्ट रूप से प्रारंभ हो कि मेरे भीतर विद्यमान उस परम गुरु से परिचय मेरा हो जाए, उस परम गुरु से संवाद मेरा हो जाए, उस परम गुरु से चर्चा वार्ता मेरी होने लगे। क्योंकि उस परम गुरु के साथ संवाद जो होता है वह मौन में होता है। मेरे साथ मैं मौन में संवाद कर सकता हूं, क्योंकि आत्म की भाषा मौन होती है। और जब भी व्यक्ति आत्मा से संवाद करता है वह मौन में करता है। समय सार में एक व्याख्या चली थी कि जीव जब एकत्व निश्चय में होता है, यानी अपने भीतर अपने से कनेक्टेड होता है, तब वो साइलेंस में अपने साथ बात करता है। जब भी वो पर वस्तु से कनेक्ट हो जाता है, आउटर सोर्स, आउटर कोई भी वस्तु से कनेक्ट हो जाता है, तो उसका संवाद टूट जाता है, विसंवाद में चले जाता है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है कुंद आचार्य जी ने, whenever you are connected to outer things, your connection with your inner self is disconnected. आपका संवाद विसंवाद हो जाता है। वापस विषय पर आते हुए कि गुरु की वंदना जन्म जात मुद्रा में जाकर, जिस मुद्रा में मेरा मन बहुत कम गतिशील था और जिस मुद्रा में मेरे माँ के मन के अंतर्गत मैं समाहित था और जहां मैं का अस्तित्व नहीं था, वैसी अवस्था में जाकर मैं मेरा अस्तित्व खोकर मात्र गुरुदेव आप ही सर्वे सर्वा मानते हुए अपने अपनत्व को भूल कर चलने की यात्रा है। इन शॉर्ट, वापस इस आसन से, बार बार इस आसन को करने से अपने अहंकार का लेवल कम होता है। मैं इन पॉइंट्स को बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपके भीतर ये संस्कार बन के बैठे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर। ईगो लेवल को कम करता है, थॉट लेवल को, वेवरिंग को कम करता है। कभी आप ट्राई करके देखना,
जब भी मन बहुत विचलित हो, जब भी मन बहुत डिस्टर्ब हो, जब भी ईगो लेवल बहुत स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और फिर भी हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरे भीतर वो अहंकार और बढ़े, फिर भी वो अपने आप बढ़ने लगता है। हम जानते हैं कि किसी के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी वो व्यक्ति सामने आ जाता है तो अपने आप जैसे कोबरा फण उठाता है वैसे हम भी उठाने लग जाते हैं अपने फण को। तो कभी ट्राई करके देखना कि जब भी ऐसा सिचुएशन है कि यू आर हाईली डिस्टर्ब, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज्यादा मन वेवरिंग है, तो सीधे वंदना आसन में जाकर वंदना की मुद्रा में सर नीचे झुकाकर सिर्फ बैठ जाओ। भाव कुछ न करो तो भी, विचार कुछ न करो तो भी, सिर्फ इस आसन में जाकर 10-15 मिनट जितना समय आप इस आसन में रह सकते हो रहने का प्रयास करके परिणाम को स्वयं अनुभूत करना। क्योंकि शब्द समाधान नहीं देता, समाधान मात्र अनुभव देता है। और मैं चाहता हूं कि आपको समाधान आपके अनुभव से प्राप्त हो, मेरे शब्दों से नहीं। क्योंकि अभी शब्द का माध्यम भी एक मृत शब्द जैसा है। जीवंत शब्द तो तब बनता है जब हम उस शब्द को साक्षात अपने भीतर अनुभव कर सके। तो इस वंदना विधि में जाकर अनुभव करने का प्रयास करें। वज्रासन में बैठकर वैसे ही वंदना की मुद्रा में झुककर जैसे माँ के गर्भ में मैं मन रहित था, वैसे मन रहित होकर गुरुदेव आपको मैं वंदन करता हूँ। क्यों करता हूँ? अपने प्रतिक्रमण की जो तीसरी अवस्था है, यह तीसरी अवस्था इसलिए है ताकि मैं अपनी विशुद्धि कर सकूं। और मैं अपनी विशुद्धि करने के लिए, अपने भूल को पहचान कर विशुद्धि करने के लिए मुझे मेरे अहंकार को शांत करना पड़ेगा, मेरे मन को शांत करना पड़ेगा। इस आसन में जाकर मैं मेरे मन को शांत करते हुए गुरु आपकी स्मृति करते हुए, आपकी स्मृति के साथ अपने भीतर विद्यमान उस परम गुरु की स्मृति करते हुए मैं अपनी यात्रा को प्रतिक्रमण की ओर बढ़ाने की प्रयास करता हूँ। जब भी वंदना की मुद्रा में आप जाओ, वंदना आसन कर द्वादश आवर्तन वाला पाठ कहा गया है, 12 बार आवर्तन की बात कही गई है। ये 12 आवर्तन क्यों? यथा जानकारी निवेदन करने का प्रयास करता हूं। जब भी आप वंदना की मुद्रा में जाकर गुरु के समक्ष या अप्रत्यक्ष गुरु की स्मृति करते हुए प्रतिक्रमण के समय जब वंदना करो, जब आप हाथ ऐसे जुड़े हो तो स्मृति करना गुरु के अंतर्गत उनके नाभि में परम गुरु विद्यमान और मेरे भीतर मेरे नाभि में परम गुरु विद्यमान, दोनों परम गुरु एक समान, दोनों में वे सारे अष्ट सिद्ध गुण युक्त समय युक्त है। उस गुरु के उपकार से, उस गुरु की स्मृति से मैं अपने भीतर विद्यमान उस प्रकाश को पहचानूं, भीतर विद्यमान उस प्रकाश को अनुभव कर सकूं, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो। जब भी वंदना विधि में जाए तब एक बार गुरु की स्मृति कर, गुरुदेव आपको देखकर मेरे भीतर के सत्य को मैं पहचानूं, आपको देखकर मैं मेरे भीतर की आत्मा की स्मृति करूं। जब जब आपकी स्मृति हो मुझे मेरे आत्म की स्मृति हो, जब जब आपकी कल्पना चले तब तब मेरी आत्म की कल्पना हो, और ऐसा समय प्रत्यक्ष प्रकट हो जब मैं साक्षात मेरे भीतर विद्यमान गुरु को अनुभव कर सकूं, अनुभव के स्तर पर चल सकूं, ऐसा स्वयं के लिए मंगल भावना करता हूं और आप सभी के लिए भी मंगल भावना करता हूं। वापस विषय पर आते हुए, वंदना विधि, वंदना विधि में हम गुरु के समक्ष में इस आसन में जाकर मन को शांत कर अगले क्रम की और प्रस्थान की एक तैयारी करते हैं। गुरु का संबंध नाभि से जो बताया गया, गर्भ के जीव के साथ जो बताया गया, भाव के साथ जो बताया गया, इन सारों का आधार एक व्यवहार है। ये सारा व्यवहार अपने मन को शांत करने का प्रयास है। क्योंकि धर्म के निकट धर्म विद्या, अध्यात्म विद्या, धर्म के नाम से संसार में जितनी भी गतिविधियां हैं
वे सारी गतिविधियां एक स्टेट ऑफ माइंड को अटेन करने के लिए ही है, जिसे शांत कहा गया है, शांति कही गई है। बस अ स्मॉल पीस ऑफ पीस, एक छोटा सा शांति के अनुभव के लिए जीव तरसता है, उस तरस को शांत करने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए जो सहारा लेता है वो धर्म का मार्ग सा लगता है। उस मार्ग का ये तीसरा अंश वंदना विधि। जब भी वंदना विधि में चलते हो तब तब ये याद रहे कि मेरा मन शांत होने का एक जरिया है। इसके माध्यम से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लगभग 9:40 के आसपास समय हुआ है, जिज्ञासा का क्रम और ध्यान के क्रम का समय है। तो यह निपुण जी, अभी ध्यान का क्रम भैया आपका, अगर अभी 5-10 मिनट अगर बाकी है तो अपन वो कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। पहले अपन थोड़ा 10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, आज रविवार है तो मेरे ख्याल से सभी जन इन रहेंगे, क्योंकि आधा कंसेप्ट अगर हमारा छूट जाएगा तो फिर पूरी करने में उसको, वो अभी फ्लो चल रहा है। तो आपका भैया, मेरे को लगता है कि 10 मिनट और लेते हुए इसको फिर अपन ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट और, बाकी आप जैसा हो। ठीक है, ज्यादा समय भी ना लेते हुए तीसरे आवश्यक, इनको आवश्यक शब्द ही इसलिए दिया गया है कि किसी भी जीव को अपने डिस्टरबेंस से रिलीव होने के लिए आवश्यक इस रास्ते पर चलना होगा। जैसे जनरली ले लो, कोई भी व्यक्ति है उसके मन में एक सप्रेशन है, वो सप्रेशन जो डिप्रेशन का फॉर्म लेता है, उस सप्रेशन से रिलीव होने के लिए उसे उसको रिवाइज करना पड़ेगा जो प्रथम आवश्यक है, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा या फिर कन्फेस करना पड़ेगा जो चौथा आवश्यक है, वो कन्फेस करने के बाद रिलैक्स होना पड़ेगा जो पांचवा आवश्यक है, रिलैक्स होने के बाद वापस रिपीटेड ना हो उसके लिए जो प्रयास करता है वो छठा आवश्यक है। जो व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता है वो किस स्तर तक जाता है कि उससे उसके भीतर सप्रेशन है तो सप्रेशन से डिप्रेस होकर, डिप्रेशन से घुट घुट कर सुसाइड तक कोई व्यक्ति चले जाता है। और जिस व्यक्ति को ये रास्ता पता चल गया कि कैसे एक्सप्रेस करूं, वो दूसरा स्टेज जहां पर अपने सप्रेशन को रियलाइज करके एक्सप्रेस करके उससे रिलीव हो जाता है, उससे भी ये हायर लेवल है जहां पर सप्रेशन से रिलीव होकर रिपीट ना हो उसका एक प्रयास चलता है। उसकी जो प्रॉपर पद्धति दी गई है वो है 6 स्टेजेस, जिसे 6 आवश्यक के रूप में हमें बताया गया है। इसको जब भी देखता हूं प्योरली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस लगता है, क्योंकि भगवान महावीर एक साइकोलॉजी के मास्टर रहे होंगे, उन्होंने जिस रूप से साइकोलॉजी को समझ के एक एक विषय में दिया गया। प्रतिक्रमण के अनेकों पाठियों में आपको ये 3 शब्द बार बार मिलेंगे, परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानंगोत्सिरामि, इसीलिए कि मैं रिवाइज करता हूँ, रियलाइज करता हूँ, कन्फेस करता हूँ और इससे रिलीव होता हूँ। इस प्रोसेस के हम तीसरे स्टेज पर हैं। तीसरे स्टेज को एक शॉर्ट में मैं रिवाइज करते हुए कि हम गुरु की वंदना इसलिए करते हैं, गुरु को स्वीकार इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला हो, और गुरु के स्वीकरण से अपना जो ईगो लेवल है वो शांत होने लगता है। और गुरु वंदना की इस विधि में साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं अपने बॉडी पर, जिससे अपने थॉट लेवल जो है, मन की जो चंचलता है वो काफी शांत होती है और ईगो लेवल काफी कम होता है, जिसके वजह से समझने में क्लैरिटी होती है। जिस व्यक्ति को भी ईगो स्ट्रॉन्गर होता है उसे आप कुछ समझाने जाओ वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ईगो वहां बीच में खड़ा होगा, उसका वही चिंतन चलता होगा जो उसका ईगो बता रहा है। और किसी चीज को क्लैरिटी के में समझना हो तब हमारा ईगो लेवल को कम करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि चतुर्विंशति स्थवन से दर्शन विशुद्धि की प्राप्त होती है।
यानी किसी को बड़ा मानकर उनको स्तवन स्तुति करने से अपना ईगो लेवल कम होता है, ईगो लेवल कम होने से समझ की क्लैरिटी आती है, समझने में क्लैरिटी प्राप्त होती है। और तीसरा विषय था कि नाभि से अपने भाव का जन्म होता है, ऐसा साइकोलॉजी मानता है और ऐसे ही अपना अध्यात्म दर्शन भी कहता है, क्योंकि इसीलिए नाभि को चेतना का मूल केंद्र कहा गया। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियस होता है, उसी भांति अपने शरीर का मूल केंद्र नाभि है। जब भी जीव इस देह को छोड़कर विहार करता है तो सारे आत्म प्रदेश निकलते निकलते अंतिम नाभि से जीव विहार करता है। जब जीव, एक छोटा सा इन्फो दे देता हूँ कि जब जीव अंतिम विहार में 14वें गुणस्थान में होता है, 14वें गुणस्थान के समय में संभवतः, जहां तक मेरी स्मृति है, वहां एक ध्यान में जाते हैं जीव, शुक्ल ध्यान में, जहां शुक्ल ध्यान में समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते हैं, जहां समुच्छिन्न क्रिया अपने शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती है, श्वास लेना रुक जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, बॉडी की सारी जो एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है, फिर भी जीव जीवित है। ये वही अवस्था जैसी है, या समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान में दे आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ सीजिंग ऑफ एवरी एक्टिविटी, बॉडी में सारी एक्टिविटी सीज हो रहा, उनको सारा अवेयर होते हैं वो। और जो व्यक्ति आईसीयू में रहकर जीवित है और सारी क्रियाएं रुक गई, वो मूर्छा में है, उसको कोई अवेयरनेस नहीं है। संभवतः एक तुलना है, केवलीगम्य है, तुलना है सिर्फ समझने की दृष्टि से, कि ऐसे होने पर भी जीव नाभि पर जीवित होता है, नाभि पर पल्स चल रहा है, उस नाभि को हार्ट के साथ जो कनेक्ट कर सकता है तो वापस आयुष्य होने पर वो जीव जीवित हो सकता है, हो जाता है संभवतः, ऐसी जानकारी। और नाभि अपना मूल केंद्र है सब चिंतन और विचारधाराओं का, इस अपेक्षा से। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई बार ऐसे कहा जाता है कि नाभि में थोड़ा सा तेल डालने पर पूरे शरीर का स्वास्थ्य बहुत वर्धक होता है, क्योंकि नाभि के स्थान पर हजारों ग्रंथियों का यूनियन है, जिसे उपनिषद में शब्द मिलता है इस केंद्र को, चैतन्य केंद्र को मणिपुरा के नाम से बताया जाता है। इस सेंटर को मणिपुरा कहा जाता है, मणि यानी रत्न, पूर्ण रत्न की विद्यमानता यहां पर ऐसे कहा गया। यही पर देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथों में जो उनका मूल मंत्र है, ओम मणिपद्मे हम, कि मेरा जो मणि मेरे भीतर, वो जो ज्वेल है, वो पद्म के रूप में प्रकाशित होकर प्रकट हो, ऐसी बात चलती है। हर धर्म में नाभि को इसको मूल केंद्र मानकर चला गया है, क्योंकि धर्म अलग हो सकता है, क्षेत्र अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, व्याख्या अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव जो सत्य का है वह अलग होने की संभावना नहीं है। अनुभूतियां जो सत्य का है वह सेम होगी, अपार्ट फ्रॉम इंटरप्रिटेशंस वेरिएशंस हो सकते हैं, बताने की ये भावना थी, यथा जानकारी आपके समक्ष निवेदन करने का प्रयास किया। बताने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे अनुज मानते हुए इस अल्पज्ञ को क्षमा कर सुधार करने की कृपा करावें। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो कुछ क्षण ध्यान के उपरांत करने का प्रयास करते हैं। समय का अति